हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो बहुत दिन हो गए, कोई वीडियो आई नहीं है। उसका रीज़न ये है कि घर पे किसी की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। सब लोग डाउन विद कोल्ड एंड कफ थे। एक पॉइंट था जहाँ पे गले से आवाज़ भी नहीं बाहर आ रही थी, तो उसमें वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता, तो इसीलिए कोई वीडियो नहीं आ पाई थी बहुत टाइम तक। इवन अगर हम ये सोचे कि मैं एक वॉइस ओवर करती, बट देन वॉइस ओवर था ही नहीं, मतलब वॉइस ही नहीं था, तो वॉइस ओवर हो ही नहीं पा रहा था। अभी भी इतनी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, पर एटलीस्ट एक यू नो 2-3 मिनट के ड्यूरेशन में बात कर सकते हैं करके सोचा एक आध वीडियो डाल देते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए ये वीडियो रहेगी पर्पल का हॉल। पर्पल से मैंने जो ब्लू हेवन का लिप ग्लॉस बोल सकते हैं, लिप टिंट बोल सकते हैं, ऐसा एक मंगाया था, तो उसके ऊपर एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगी। मैंने जो मंगाया था वो दो पैटर्न में, मतलब दो टाइप्स में है। एक है ब्लू हेवन का लश एंड जूसी लिप प्लम्पिंग वॉन्ड, ठीक है, ये एक ये वाला था। फिर इसके साथ ही ये दूसरा इसमें जो आता है वो कलर एंड कंडीशन। सो ये जो है ना लश एंड जूसी, इसमें इट इज़ जस्ट लाइक अ ग्लॉस जिसमें शिमर है थोड़ा सा इन टू डिफरेंट कलर्स, और ये है लिप ग्लॉस जैसा जो टिंटेड है, दूसरा जो है ना कलर एंड कंडीशन, सो वो टिंटेड है। जो मैंने अभी अप्लाई किया है वो शिमर वाला है। इट सेज इट इज़ रिच एनरिच्ड विथ एवोकाडो विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल। ऑब्वियसली इसको जब अप्लाई करते हैं ना, ये जो अभी मैंने अप्लाई किया है इट इज़ पिंक इन शेड, बट ड्यू टू माई लिप पिगमेंटेशन वो एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट शेड जैसा लग रहा है। बट इसमें एक इफ़ यू वुड हैव यूज दैट हुडा ब्यूटी का डेमी मैट फिनिश वाला लिक्विड लिपस्टिक, उसमें जो फीलिंग आती है ना लिप्स पे, एक मिंट जैसा टेस्ट या फ्लेवर, या एक थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, एक कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, एक यू नो एक ऐसे मराठी में अगर मैं भूलने जाऊँ तो चूरचूरता ओडर से एक फीलिंग है, तो ठंड उसके बाद मिंट मेंथॉल के बाद कैसे एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, वैसे कूलिंग इफेक्ट है आपके लिप्स पे, तो समर में वगैरह वो एक फील ही बहुत अच्छा है। तो इसको मैं ओपन करके आपको बताती हूँ कि कैसा होता है। सी अंदर तो ये पैकिंग इतनी बड़ी, देखो लिपस्टिक इतनी है, ये इतना पूरा पैकिंग वेस्ट है, तो आई डोंट नो ये पैकिंग का क्या है, बट ये ग्लॉस ऐसा आता है। ये शेड कौन सा था जो मैंने अभी निकाला, ये यूनिकॉर्न शेड है। मुझे समहाउ यूनिकॉर्न बहुत पसंद है, मतलब उसके जो शेड्स आते हैं ना यूनिकॉर्न के, मल्टी रेनबो शेड्स टाइप, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ में यूनिकॉर्न आई प्रेफर। अगर आप देखोगे तो ये ऐसे शाइन होता है ऑन योर लिप्स, अगर लिप्स आपके इतने क्लियर हैं तो ये इतना शाइन होगा आपके लिप्स पे। और इसमें दूसरा शेड जो मैंने लिया था वो है ये पिंक वाला, पिंक शेड है। तो इसमें खास कोई ऐसा लिप्स पे मुझे डिफरेंस नहीं दिखता है, बॉटल में वगैरह दिखता है बिकॉज कंसोलिडेटेड, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना, तो उसमें फ़र्क पता चलता है। लिप्स पे तो हार्डली एक डिफरेंस पता चलेगा। देखो ये यूनिकॉर्न वाला ये है, और ये पिंक वाला जो शेड था, पिंक वाला शेड इज़ मजेंटा मैजिक ये, तो ये बेबी पिंक जैसा आपके लिप्स पे दिखता है। सो ये वो शेड है। सो ये वो दो शेड हुए इन द वेरिएंट लश एंड जूसी। दूसरा है कलर एंड कंडीशन, दिस इज़ टिंटेड कंडीशनर लिप ऑयल, इट इज़ काइंड ऑफ अ लिप ऑयल। अभी मुझे नहीं पता क्या क्या डिफरेंस है एक लिप ऑयल में, देन एक लिप ग्लॉस में, लिप बाम में, बेसिकली सबका है लिप मॉइस्चराइज करने का फंडा, तो शायद उतना ही एक ख़ास डिफरेंस होगा टेक्सचर का। उसके अलावा तो
लिप बाम और ग्लॉस में तो फिर भी ठीक है, बट ये लिप ऑयल, लिक्विड लिपस्टिक, लिक्विड लिप ग्लॉस, क्या डिफरेंस? सी ये है वो कलर एंड कंडीशन लिप ऑयल, ये सब ब्लू हेवन का ही है। इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये लिप्स पे लगाने के बाद यू डोंट फील स्टिकी स्टिकी, जैसे यूजुअली बहुत सारे लिप ऑयल्स या ग्लॉस में एकदम स्टिकी स्टिकी सा फील होता है एंड यू डोंट फील लाइक अप्लाइंग इट। ये वैसा नहीं है, जो एक जो वो टिंट का ये आता है ना, जो मैं बोल रही थी, एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा है ना लिप्स पे, यू फील लाइक कि ये जाना नहीं चाहिए, ये ऐसा ही रहना चाहिए। सो जो ये जो शेड था, इट वॉज क्रैनबेरी रेड, तो इसमें ये टिंट ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है, इसमें वो कलर इतना फील नहीं होता। इट इज़ जस्ट द फील ऑन योर लिप्स, जो वो कूलिंग इफेक्ट है ना, दैट इज़ वेरी पीसफुल। इसका MRP है, कहाँ है इसका MRP? $275। ये जो टिंटेड है इसका MRP इज़ $275 और ये वाले जो है दे आर फॉर $300 ईच। बट ऑब्वियसली पर्पल पे कोई ना कोई सेल रहता है, अभी करंटली भी उनका सेल चालू है, आई हार्ट ब्यूटी सेल चालू है शायद, तो हर इस पे आपको एटलीस्ट 15% डिस्काउंट तो मिलता ही है कर, सो यू डोंट हैव टू यू नो बाय इट ऑन MRP। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं शिमर में, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। यूजुअली मुझे शिमर जब चाहिए होता था पहले, और ये सब मार्केट में नहीं था, आई यूज़ टू अप्लाई शिमर आई शेडो ऑन माई लिप्स, तो वो एक थोड़ा सा डायमंड क्रश लिपस्टिक्स आती है ना हुडा ब्यूटी की, वैसा उसमें एक थोड़ा सा फील आ जाता था, बट स्टिल अगेन इट इज़ एन आई शेडो, फिर लिप्स पे आप लगाओ तो वो कितना सेफ है मुझे नहीं पता। मैं अपने लिए ट्राई करती थी, मैं ये किसी को भी रिकमेंड नहीं करती कि आप आई शेडो लिप्स पे लगा लो, बट ये एक ऑप्शन मैंने ढूंढा था कि कोई ऐसा पार्टी वार्टी हो और थोड़ा सा यू नो ग्लिटरी लिप्स चाहिए, तो मैं वो यूज़ करती थी। बट व्हेन आई हैव दिस नाउ, और इसमें काफ़ी सारा अच्छा शिमर है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो लिपस्टिक के ऊपर टू हाईलाइट योर लिप्स लाइक शिमर। सो ये वीडियो के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी मिलने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and goodbye.